हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम आपको आज इस ट्यूटोरियल में ट्रेड फिटर के फर्स्ट ईयर के एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सीवीटी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 101, फाइल वाली सरफेस पर खरोंच चिप्स के उत्पादन का क्या कारण है। इसमें डियर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं और सही ऑप्शन इसमें आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है डियर, जो फाइल होती है उस पे क्या होते हैं, लाइनें बनी होती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसमें कटिंग होते हैं या ग्रेड के अनुसार। ठीक है, तो जो उसमें तीत होते हैं फाइल में, उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे से कण फंस जाते हैं। वो कण किस कारण फंसते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, पिनिंग। ठीक है, अब पिनिंग के कारण क्या होता है, उसमें जो बारीक बारीक से कण होते हैं वो उसमें फंस जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता है कि फाइल में जो कण फंस जाते हैं, ठीक है, उसको निकालने के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं, तो वहां पे हम लोग फाइल कार्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है डियर, अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप इसको कर लीजिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 में आपको एक इमेज देखने को मिल रही है, इस छेनी का क्या नाम है। इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं और सही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, जब भी किसी भी जॉब में आपको चैन डीलिंग करने के लिए या कोई भी बीच के मटेरियल को रिमूव करने के लिए या करने की बात आती है, तो वहां पे हमको वेब चीजल का नाम याद आता है। तो इसके सही ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, वेब चीजल। स्क्रीन पे आप वेब चीजल देख पा रहे होंगे। इस वेब चीजल से किसी भी जॉब के बीच के मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, अगर उसमें चैन ड्रिलिंग से ड्रिलिंग की गई है तो। ठीक है, बाकी और भी वेब चीजल का उपयोग हम लोग करते हैं अलग अलग जगह पे, अलग अलग कार्य के लिए या अलग अलग जॉब के लिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 में पूछा जा रहा है, जो आप स्क्रीन पे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में आप दोनों में पढ़ पा रहे होंगे, इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं और सही ऑप्शन इसमें आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हैमर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हैमर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप जहां पे इसका जो फेस है, क्या है डियर, इसका जो ये फेस है, ये फेस है, इस फेस को क्या करते हैं, थोड़ा सा घुमाते हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि क्यों घुमाते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, किनारों की खुदाई से बचाने के लिए। ठीक है, अगर हैमर से हम क्या करते हैं, ठोकते हैं जॉब को, तो अगर किनारे पे आ जाएगा, अगर वो घुमा होगा तो क्या होगा, जॉब हमारा खराब नहीं होगा, क्रैक नहीं होगा या कोई भी उसमें डैमेज नहीं होगा। तो ये सारी चीजें, अगर हम उसको घुमाएंगे नहीं, एक प्लेन बना देंगे, तो उसमें स्क्रैच या उसको जब ठोकेंगे तो ज्यादा हमारा खराब हो जाएगा या ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए क्या करते हैं, हैमर का जो फेस होता है उसको थोड़ा सा राउंड जैसा कर देते हैं। जब कभी आप हैमर को गौर से देखोगे अपने वर्कशॉप में, तब उसको समझ पाओगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 में आपको इस हैमर का क्या नाम है, इसमें आपको एक हैमर देखने को मिल रहा है, नीचे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं और सही ऑप्शन इसमें आपको सेलेक्ट करना है। स्क्रीन पे समझेंगे कि हैमर जो आपके हैं, वो आपका एक बॉल पिन हैमर है, क्रॉस पिन हैमर है और स्ट्रेट पिन हैमर है। इसमें आपको तीन इमेज हमने और दिखा दी है। तो आप स्क्रीन पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं और सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्रॉस पिन हैमर। क्रॉस पिन हैमर वो हैमर होता है जो हैंडल के सीधे स्ट्रेट में, ठीक है, हैंडल के सीधे स्ट्रेट में ना होके क्या होता है, क्रॉस में होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस पिन हैमर बोलते हैं। जो स्ट्रेट हैमर होता है वो हैंडल के सीधे स्ट्रेट में होता है, उसको हम लोग स्ट्रेट हैमर बोलते हैं। बॉल पिन हैमर का आपको पता है, जो बॉल पिन हैमर का ऊपर का बॉल जैसा होता है, उसको हम लोग बॉल पिन हैमर बोलते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं डियर, या इसमें एक ऑप्शन आपको ए नंबर और देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैलेट बोलते हैं। जो मैलेट होता है वो आपका लकड़ी का हथौड़ा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैलेट बोलते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 में पूछ रहा है, चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जॉब की सतह के बीच में, या जॉब की सतह के कोने
कोण को क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है। इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं और सही ऑप्शन इसमें आपको सेलेक्ट करना है। तो इसके सही ऑप्शन की अगर हम लोग डियर बात करें तो यहाँ पे आपको इमेज एक देखने को मिल रही है, यहाँ पे आप इमेज से देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस कोण के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ये आपका सतह है जॉब की और ये आपका क्या है चीजल है, तो इसके बीच में ये बनने वाले कोण को पूछा जा रहा है, ठीक है डियर। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 में पूछा जा रहा है धातु की वह प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई स्थायी विकृत की अनुमति नहीं देती है। इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। इसमें जो चार ऑप्शन है वो जो पदार्थ होता है उस पदार्थ की सारी प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है, ठीक है। अलग अलग प्रॉपर्टी का अलग अलग नाम होता है, यहाँ पे आपसे टूटने की बात पूछी जा रही है, ठीक है। तो इसके सही ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है, भंगुरता। नेक्स्ट आगे देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 में पूछा जा रहा है गहराई या डिप्थ माइक्रोमीटर में एक्स से या एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। इसमें डियर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं और सही ऑप्शन इसमें आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे एक डेप्थ माइक्रोमीटर का जो चित्र बना है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कोई भी टूल्स है उसके आपको सारे पार्ट्स के नाम पता होना चाहिए, पता नहीं किन कौन से पार्ट्स के बारे में आपसे पूछ ले। तो इसके सही ऑप्शन की अगर हम लोग डियर बात करें ऑप्शन नंबर इसका बी इज राइट आंसर, लॉक, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 में पूछा जा रहा है इसमें जो आपका क्यू हैंड टैप लीड पर चैम्फियर किया जाते हैं, ठीक है। इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं और सही ऑप्शन इसमें आपको बताना है, ठीक है। जो टैप होता है, टैप का जहां पे टिप होता है उसको थोड़ा सा क्या किया जाता है, चैम्फियर किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 में पूछा जा रहा है इस ड्रिल मशीन का क्या नाम है। इसमें आपको एक ड्रिल मशीन देखने को मिल रही होगी डियर और आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं और सही ऑप्शन इसमें आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसके सही ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, पिलर ड्रिल मशीन, ठीक है। पिलर ड्रिलिंग मशीन इसका नाम है ये, क्योंकि ये पिलर जैसी आपको ऊंची देखने को मिल रही है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 में आपसे पूछा जा रहा है इस बाहरी माइक्रोमीटर ब्रिटिश की रीडिंग क्या है। जहां पे आपको इस तरीके से इमेज और कैलकुलेशन के सवाल आपको देखने को मिलते हैं, वो कैलकुलेशन के सवाल सारे हम आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से रीडिंग निकालते हैं, कौन कौन सी उसकी जो अल्पतमान होते हैं या लीस्ट अकाउंट होता है वो क्या क्या होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 0.5359। नेक्स्ट आगे देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 में पूछा जा रहा है वर्नियर वेबर प्रोट्रैक्टर की सटीकता क्या है, ठीक है डियर। इसमें क्या पूछी जा रही है, एक्यूरेसी के बारे में पूछ रहा है। इसके सही ऑप्शन की बात करें डियर ऑप्शन नंबर इसका बी इज सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे देखते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 में आपसे पूछा जा रहा है इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है। इसमें आपको डियर रीडिंग देखने को मिल रही है, नीचे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं और सही ऑप्शन इसमें आपको सिलेक्ट करना है। तो इसके सही ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 35.50 mm। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 में पूछा जा रहा है क्यों सतह प्लेटों तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बने होते हैं। इसमें भी डियर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं और सही ऑप्शन आपको बताना है। तो इसके सही ऑप्शन की डियर हम लोग बात करें ऑप्शन नंबर
सी इज राइट आंसर, ठीक है, विकृत को रोकने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 में पूछा जा रहा है, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है। ठीक है डियर, इसमें आपको चार ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं और सही ऑप्शन इसमें आपको सिलेक्ट करना है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे एक एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक, ठीक है, इस पैरेलल ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है। तो इसके सही ऑप्शन की अगर हम लोग डियर बात करें, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए, टू सेट डिफरेंट हाइट। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 में पूछा जा रहा है, यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर सब्सक्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है, या स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है। इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं और सही ऑप्शन इसमें आपको सिलेक्ट करना है। तो इसके सही ऑप्शन की अगर डियर हम लोग बात करें, ऑप्शन नंबर, पहले हम इसके इमेज पे देखते हैं कि उसको कैसे हम लोग सेट करते हैं। ठीक है, तो इसके सही ऑप्शन की डियर हम लोग बात करें, ऑप्शन नंबर इसका क्या सही है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 में पूछ रहा है, 1 मीटर को मिलीमीटर में बदलें। इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं और सही ऑप्शन इसमें आपको सिलेक्ट करना है। तो इसके सही ऑप्शन की डियर हम लोग बात करें, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 1000 mm। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 में पूछा जा रहा है, इस वी ब्लॉक का क्या नाम है। इसमें आपको एक ब्लॉक, वी ब्लॉक देखने को मिल रहा है और यहाँ पे आपको चार ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो इसका सही ऑप्शन हम लोग बात करते हैं, पहले हम लोग जानते हैं सिंगल है कि डबल है कि कैसा क्या है, ये स्क्रीन पे आप देखिए। यहाँ पे आपको दो ब्लॉक देखने को मिल रहे हैं, एक सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक, दूसरा सिंगल लेवल डबल ग्रुप। तो अब यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख के आप बता पाएंगे कि इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर इसका क्या सही है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक। ठीक है डियर, नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 में पूछा जा रहा है आपसे, यहाँ पे एक इमेज भी देखने को मिल रही है, कॉम्बिनेशन सेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। ठीक है डियर, इसमें भी आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं और सही ऑप्शन इसमें आपको सेलेक्ट करना है। तो इसके सही ऑप्शन की डियर हम लोग बात करें, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, स्क्राइबर। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, यहां से स्क्राइबर को सेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 में आपको एक इमेज भी देखने को मिल रही है और यह क्वेश्चन एक बार और भी पूछा गया है आपसे, तो राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपको कैलिपर देखने को मिल रहा है, इस कैलिपर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि इस कैलिपर का क्या नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जब राउंड बार की अगर आपसे बात पूछी जाए तो वो वहां पे आपको एक जेनी कैलिपर नाम का एक दो टांगों वाला क्या होता है, मेजरिंग, जिससे हम लोग क्या करते हैं डिस्टेंस को नाप के उस पे चाप लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, जेनी कैलिपर। ठीक है, इसकी एक टांग थोड़ी सी बेंड होती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 में पूछ रहा है, छेनी में ए से चिन्हित कोण का क्या नाम है। ठीक है डियर, इसमें आपको जो आपको एक कोण देखने को मिल रहा है, इस कोण के बारे में पूछ रहा है। नीचे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं और सही ऑप्शन इसमें आपको सेलेक्ट करना है। तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे एक इमेज है, उसमें अलग अलग टाइप के एंगल देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपसे ये वाले एंगल के बारे में पूछा जा रहा है, यहां से इस वाले एंगल के बारे में पूछा जा रहा है कि इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ये जो आपका एंगल है,
ठीक है जॉब से। तो इसके सही ऑप्शन की डी हम लोग बात करें, ऑप्शन नंबर इसका डी इज राइट आंसर, क्लियरेंस एंगल। ठीक है डियर, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो, यूजफुल लगता हो, तो अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करें, ताकि आने वाले एग्जाम में उसको भी एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और उसको क्वेश्चन मिल सके। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।